लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ये मेकअप लुक, और ये जो मेकअप लुक है इसका बेस मैंने तैयार किया था स्मैक्स बॉक्स के कैमरा रेडी बीबी वाटर से। तो अगर मैं बीबी वाटर की बात करूं तो मार्केट में आपको बीबी क्रीम मिलती है, सीसी क्रीम मिलती है, बीबी वाटर जो है वो आपको मिलता है स्मैक्स बॉक्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी, इसके प्राइसेस बताऊंगी, इसके बेनिफिट्स बताऊंगी और इसके अंदर क्या क्या है वो सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए डालने वाली हूँ स्किन केयर, जो कि होली के लिए स्किन केयर, ताकि आपकी स्किन जो है और ज्यादा खराब ना हो। अगर खराब हो रही है तो और ज्यादा खराब ना हो, अगर अच्छी है तो वो अच्छी बनी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं इस स्मैक्स बॉक्स के कैमरा रेडी बीबी वाटर के बारे में। एक्चुअली ये जो है बीबी वाटर है जो कि फैदरी लाइट वेट है, इसका बहुत ज़्यादा हल्का है। आप इसे फेस पर लगाते हो तो एकदम से आपकी स्किन के अंदर ये सेकेंड स्किन की तरह से वर्क करता है, और ये जो है आपको मीडियम कवरेज देता है, हाई कवरेज नहीं देता है। लेकिन जब आप इसको एक के बाद एक लेयर लगाते हो तो ये आपको हाई कवरेज भी दे देता है। लेकिन आप जो है इसे थोड़ी मात्रा में लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगी। ज़्यादा लगाते हैं तो वो अलग से पता चल जाती है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है एकदम से स्किन के कलर की ही लगेगी। और इसके अंदर बहुत सारे शेड प्रेजेंट है तो आपको आपकी स्किन शेड जो है मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये जो है इसकी आउटर पैकेजिंग है जिस पर लिखा है स्मैक्स बॉक्स कैमरा रेडी बीबी वाटर, जिसके अंदर प्रेजेंट है SPF 30। तो इसके अंदर सनस्क्रीन भी प्रेजेंट है, तो आप इसे अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सनस्क्रीन को आप इसे लगाते हैं तो सनस्क्रीन का काम जो है अंदर इसके है तो आपका वो काम कर जाती है। तो आपकी स्किन जो है सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है। इसके बाद जो है इसकी कॉस्ट की बात करती हूँ तो इसकी कॉस्ट है 3,300 रुपीज 30 ग्राम के लिए। एक्चुअली 30 ml है, वो 30 ml के लिए जो है 3,300 रुपीज है। तो आपको लगता है कि 30 ml के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है, बट इसका जो लाइट वेट टेक्सचर है वो बहुत कम मात्रा में आपके चेहरे पे लगता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। अब आप बात करोगे कि भाई इसे खोल लेंगे तो 6 महीने बाद या 12 महीने बाद ये खराब हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये जो है खुलने के 12 महीने नहीं बल्कि 24 महीने बाद खराब होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनने हैं, ये 24 महीने बाद खराब होता है, तो ये जल्दी खराब नहीं होगा। और जो आपकी स्किन है आप इसे लगाते हो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हो, काफ़ी समय तक आप इसे ढक के यूज़ कर सकते हो। 6 महीने हो जाए, 12 महीने हो जाए, 24 महीने बाद खराब होगा तो तब तक ये खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि 30 ml है तो 30 ml इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होती है जो ज़्यादा चले, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि बिल्कुल ही ना चले। इसकी जो लिक्विड टेक्स्चर है ना, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रन करता है आपके फेस के ऊपर, और 4 से 5 ड्रॉप जो है आपके पूरे फेस को कवर कर लेती हैं। आप और ज़्यादा कवरेज चाहते हो तो फिर 2-3 ड्रॉप जो है अलग से लगा लीजिए, और ये जो है आपके बिलमिसेस के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं तो वो उन्हें भी कवर कर लेता है। लेकिन ये जो है सेकेंड स्किन लगती है, और कैमरा रेडी का मतलब ये है कि अगर आप इसे लगाते हो तो आप कैमरे के लिए एकदम रेडी रहते हो, और कैमरे के अंदर आपकी जो आप नॉर्मल फाउंडेशन लगाते हो तो उसके बाद आपका चेहरा जो है अलग सा लगता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप किसी भी लाइट में इसकी फोटो जो है क्लिक करते हो, आपकी स्किन जो है आपकी स्किन की तरह ही लगती है। तो ये जो है इसकी आउटर पैकेजिंग है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इसे यूज़ करने का तरीका, और इसके बाद लिखा है कि ये जो है स्मैक्स बॉक्स कैमरा रेडी बीबी वाटर है, जिसके अंदर प्रेजेंट है 30 SPF, और ये जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसके अंदर प्राइमर है, तो अगर आप प्राइमर नहीं भी लगाते हो तो भी आपका काम चल जाता है। कई लोग होते हैं जो प्राइमर को स्किप करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि प्राइमर भी लगाना होता है। एक्चुअली अगर कोई स्मैक्स बॉक्स का बीबी वाटर यूज़ करे तो उसे प्राइमर के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर इनकेस आपको नहीं भी पता है तो प्राइमर जो है आप अपने फेस पर लगाते हो तो आपका मेकअप जो है काफ़ी लंबे समय तक होल्ड रहता है। तो ये जो है इसके अंदर प्राइमर प्रेजेंट है, तो आपका जो मेकअप है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगने वाला है, और आपकी स्किन जो है एकदम नेचुरल लगती है। इसके अंदर जो है कोई भी ऑयल नहीं है, अल्कोहल फ्री है, तो ये सभी स्किन टाइप के लिए होता है। अगर आपकी स्किन इरिटेट भी करती है, सेंसिटिव स्किन है, तो उसके लिए भी ये है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं है और कोई भी अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये जो है ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई एक्नी वैक्नी आपकी नहीं होने वाली है, कोई ब्रेकआउट या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये जो है प्राइमर है, इसके अंदर बीबी क्रीम का जो है ब्यूटी ब्लेंडिंग क्रीम जो होती है वो प्रेजेंट है, जिससे आपकी स्किन की कवरेज मिल जाती है। इसके अंदर SPF प्रेजेंट है, हाइड्रेशन ये प्रोवाइड करता है आपको, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो इन शॉर्ट इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो ये जो है अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो बीबी क्रीम भी इसे ट्राई कर सकते हो। ये जो थी इसके आउटर पैकेजिंग थी। इसके बाद इसके अगर हम इनर पैकेजिंग की बात करते हैं तो ये जो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है।
इसका जो कलर है वो मैंने मीडियम मंगाया है क्योंकि मेरी मीडियम स्किन टोन है, तो उसके हिसाब से ये कलर बहुत अच्छे से मैच होता है मेरे, और आपको पता भी नहीं चलता कि कोई दूसरी स्किन आपकी लगाई है। जैसे मैंने काफ़ी सारे फाउंडेशन यूज़ करे हैं तो वो अलग से लगते हैं, बट ये अलग सा नहीं लगता है। तो ये जो है कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, ग्लास बॉटल है, तो अगर ये गिर जाती है तो फूट जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगा, तो इसलिए भाई इसे थोड़ा अच्छे से रखिए। इसके बाद जब आप इसे खोलते हैं तो इसके ऊपर ये ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर से आप जब दबाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से निकलता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो टेक्स्चर है कितना ज़्यादा रनी है। इसे यूज़ करने से पहले आपको इसे अच्छे से शेक करना है, तो शेक करेंगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें मिक्स ना हुआ हो, तो आप इसे अच्छे से शेक करेंगे, उसके बाद ये जो है कलर अच्छे से मिल जाता है। तो ये जो थी इसकी आउटर पैकेजिंग, के बाद इनर पैकेजिंग थी, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस इसके संग एक डिसएडवांटेज मुझे लगा है कि ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, कांच की बोतल है, आप इसे ट्रैवल करते हो टूट गई तो भाई आपका मतलब 3,000 के आसपास के 3,500 रुपये बर्बाद हो जाते हैं। बस ये एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका टेक्स्चर अगर आप बोलते हैं तो मैं कुछ दिखा देती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके का से टेक्स्चर है, ये जो बूंद है वो कुछ इस तरीके से गिर रही है। और अगर मैं बात करूँ इसकी ब्लेंड होने के लिए तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ये आराम से ब्लेंड हो रहा है, और मेरे हाथ में स्कार था आप देख सकते हैं, तो ये जो है हल्का पड़ा है, और ये जो स्किन के अंदर काफ़ी अच्छे से पैनकेट हो गया है, आपको पता भी नहीं चलेगी कि इसके बाद आपने कुछ अपनी स्किन के ऊपर लगाया है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। आई होप दोस्तों अगर आप ये ट्राई करते हो तो ये आपको भी पसंद आए, अगर ये आप ट्राई करते हो या आपने ट्राई किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपने इसे यूज़ किया है और आपको ये कैसे लगा है, और नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए एक बार। आई होप कि आपको ये भी पसंद आए जैसे मुझे पसंद आया है। तो अगर आपको ये नहीं पसंद आता तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। तो ये वीडियो तो खैर आपको पसंद आया ही होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ तो वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपकी होली जो वीडियो डाल रही हूँ होली के लिए वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो जो है मिस ना हो।